हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग पता है अभी आईपीएस क्लियर का पेपर खत्म हो चुका है। अभी की अपकमिंग एग्जाम कौन सी है? एसबीआई प्योर 2020 के लिए और एसबीआई अप्रेंटिस 2020 के लिए। दोनों एग्जाम्स काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए, अभी मैंने आप लोग इससे पहले सारे बेसिक टॉपिक कवर करा चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। इनफैक्ट मैंने रीजनिंग के भी काफी टॉपिक कवर करा चुका, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, उसके बाद ये हो गया, पजल्स हो गया, तो सारे टॉपिक मैं आपके कवर करा चुका, ठीक है। उसी तरह मैंने आज एक टॉपिक लिया, कौन सा टॉपिक लिया? पजल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनिमम 10 मार्क का वेटेज रखता है और मैक्स टू मैक्स 15 मार्क का वेटेज रखता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए आज मैंने कौन सा टॉपिक लिया? फ्लोर बेस्ड पजल लिया, काफी इंपॉर्टेंट पजल है, 5 मार्क का एग्जाम का पक्का आता है। अगर सपोज 4 क्वेश्चन अगर पजल में से आ रहे तो उसमें से एटलीस्ट ऐसा एक पजल रहेगा जो फ्लोर बेस्ड पजल रहेगा, क्योंकि 7 फ्लोर रहेगा कि 8 फ्लोर रहेगा, फिर 9 फ्लोर रहेगा, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं। देखिए, देर आर 11 पीपल्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे के आर लिविंग इन 11 फ्लोर्स बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। इतना समझा आप लोग को? अभी देखिए, देर आर 11 पीपल्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लो और हमेशा याद रखो कि हमेशा दो पॉसिबिलिटी लिया करो, हमेशा कितनी पॉसिबिलिटी लोगे? दो पॉसिबिलिटी लोगे, ताकि आप लोग को डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। हमेशा 11 फ्लोर की बिल्डिंग बना लो पहले, इलेवन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन, ठीक है। और दो पॉसिबिलिटी बना लो, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये सेकंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। इतना तो बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते अभी देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया था, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 11। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ए लीव्स अबव एफ, ए जो है एफ के ऊपर रहता है, पर हमें ये नहीं पता कि कितने ऊपर रहता है, एक का भी गैप हो सकता है, दो का भी गैप हो सकता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आई लीव्स अबव ई, आई जो है अबव किसका? ई के अबव रहती है, ठीक है। यहां तक समझा, बट नॉट इमीडिएटली, इमीडिएटली अबव नहीं रहता, मतलब इसमें एक का भी गैप हो सकता है, दो का भी गैप हो सकता है, तीन का भी या चार का भी, हमें कंफर्म नहीं, बस इतना पता है हमें कि आई जो है ई के ऊपर रहती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, बट नॉट इमीडिएटली, ई डज नॉट लीव्स इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो सी, सी के आसपास ई नहीं रहता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जो जो हमें बता गया सेंटेंस, वो हम लोग को प्रॉपरली इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर सेंटेंस क्या मिला हमें, जी लिव्स ऑन 7 नंबर फ्लोर, जी जो है 7 नंबर फ्लोर में रहता है, डायरेक्ट लिख लो। ऐसा एक सेंटेंस हमें मिल ही जाता है जो प्रॉपर रहता है, ठीक है। जैसे यहां पर हमें क्या मिला प्रॉपर सेंटेंस, जी लिव्स ऑन 7 नंबर फ्लोर, ठीक है। टू पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एच, टू पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एच, वन टू, यहां पर एच आ जाएगा, यहां पर भी नीचे वन टू और एच यहां पर आ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा दो पॉसिबिलिटी क्यों लेता हूं, क्योंकि हमें कंफर्म पता नहीं होता है कि एच ऊपर रह सकता है कि नीचे रह सकता है, इसलिए मैंने एच नीचे रखा और यहां पर एच ऊपर रखा, ठीक है। यहां तो समझा आप लोगों को, उसके बाद टू पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एच के बाद क्या, डी लिव्स इमीडिएटली अबव एच, डी लिव्स इमीडिएटली अबव एच, तो डी लिव्स इमीडिएटली अबव एच, यहां तक समझ में आ गया प्रॉपरली आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देर इज एज मेनी पीपल लिविंग अबव डी एज बिलो बी, देर इज एंड लिविंग अबव डी, जितने डी के ऊपर लोग रहते हैं उतने ही बी के नीचे लोग रहते हैं। इस लाइन का मतलब ये होता है, देर इज एज मैनी पीपल लिविंग अबव डी एज बिलो जी, डी के ऊपर जितने लोग रहते हैं उतने ही बी के नीचे रहते हैं। डी के ऊपर कितना है? कुछ भी नहीं है, तो बी के नीचे भी कितने लोग रहेंगे? कुछ भी नहीं रहेगा। डी के ऊपर कितने लोग है? 1 2 3 4 5 6, तो हमें बी के नीचे भी कितने लोग चाहिए? 6 लोग चाहिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? बी आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी जी बैठा है, तो हमारा ये जो है पॉसिबिलिटी वो हो गया रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, फाइव पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड के, एफ एंड के बीच में कितने लोग रहते हैं? फाइव पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड के, ठीक है। फाइव पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड के हु लिव्स बिलो जी, के हु लिव्स बिलो जी, के हु लिव्स बिलो जी, अगर मैं के को यहां बिठा दूं तो 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली बात है फाइव नहीं बैठेगा, तो के हु लिव्स बिलो जी ना, तो 1 2 3 4 एंड 5, और किसके बाद यहां पर क्या बैठेगा? एफ बैठेगा, है कि नहीं? क्या बोला सेंटेंस वापस रीड करिए, देर इज एज मैनी पीपल लिविंग, ये तो यहां तक हो चुका था, फाइव पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड के, एफ एंड के बीच कितने लोग रहते हैं? फाइव लोग, 1 2 3 4 एंड 5, फाइव लोग रहते हैं। उसके बाद क्या बोला था कि जी के नीचे रहता है, और के हु लिव्स बिलो जी, के हु लिव्स बिलो जी, तो जी के नीचे कौन रहेगा? के रहेगा, तो ये प्रॉपर सेंटेंस मिल गया हमें। उसके बाद क्या बोला है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन द जी एंड सी, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन जी एंड सी, जी एंड सी के कितने लोग रहते हैं? वन पर्सन, तो यहाँ पर जी सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गया, जे लिव्स बिलो सी, जे लिव्स बिलो सी, जे लिव्स बिलो सी, ठीक है। अभी जे यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, देखिए। इसके बाद यहाँ पर एक सेंटेंस बोला था, सी के आसपास ई नहीं है, सी के आसपास ई नहीं है, तो सी के आसपास ई नहीं होगा तो ये कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है, यहाँ भी यहाँ हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, ए लिव्स अबव एफ, ए लिव्स अबव एफ बोला था,
तो देखिए अगर f को यहां पर बिठा दिया तो यहां पर नहीं बैठेगा f, ठीक है, समझा आप लोग का भी क्या किया मैंने, f यहां नहीं बैठेगा, ओके, f यहां बैठेगा, f यहां बैठेगा, उसके बाद जो k जो है वो k कहां बैठेगा, k यहां पर बैठेगा, ठीक है, समझा, मुझे पहले डाउट था कि अगर f यहां पर बैठेगा तो उसके बाद ऊपर f यहां भी बैठ सकता था, यहां भी बैठ सकता, मैंने एक्चुअली अजम्पशन लिया था कि f यहां बिठाया था, लेकिन यहां पर f बिठाने के बाद मुझे क्या चाहिए था, a जो है f के ऊपर रहता है तो a यहां पर आ जाएगा, है कि नहीं, a जो हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहां तक समझा आप लोग को, उसके बाद क्या बोला था, c के आसपास e नहीं है, c के आसपास e नहीं होगा तो e कहां बैठेगा, इधर बैठेगा, कंफर्म, और c जो है j के ऊपर है तो j c j के ऊपर, तो j कहां पर बैठेगा, यहां पर बैठेगा, इतना कंफर्म मिल गया, जो बच्चा हुआ जो मेंबर रहेगा वो 6th नंबर फ्लोर में बैठेगा, ठीक है, आया सब मैं कैसे सॉल्व किया, प्रॉपर एक बार रिपीट करते हैं, रीचेक करते हैं कि हमने सही बिठाया कि नहीं, a lives on a lives above f, a lives above f यहां तक भी सही है, i lives above e, i lives above e, ठीक है, i lives above e, तो यहां पर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, तो हमारे प्रॉपर्ली सेंटेंस बैठ गया, ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बट नॉट इमीडिएटली, ई डज नॉट लिव ऑन, ई डज नॉट लिव इमीडिएटली अबाउट इमीडिएटली बिलो सी, ई जो है सी के आसपास नहीं बैठता है, तो ये भी सही है, जी लिव्स ऑन 7th नंबर फ्लोर, वो तो एक्यूरेट हमें मिल चुका था, जी जहां बैठा था, टू पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एच, टू पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एच, जी एंड एच में कितने लोग बैठे, जी और एच के बीच में कितने लोग बैठे, टू लोग बैठे, यहां तक भी सही, फाइव पर्सन लिव बिटवीन एफ एन के, फाइव पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एन के, एफ एन के बीच में कितने लोग रहते, पांच लोग रहते, और वो जो के जो है वो किसके नीचे रहता है, के हु लिव्स बिलो जी, तो जी के बीच नीचे क्या रहता है, के रहता है, यहां तक समझ में आ गया, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन जी एन सी, ओनली वन पर्सन लिविंग बिटवीन जी एन सी, तो आई जो जी और सी के बीच में रहता है, ठीक है, इसका मतलब ये जे लिव्स बिलो सी, जे लिव्स बिलो सी, सी के नीचे जे रहता है, तो यहां तक भी सही बैठ गया, ठीक है, तो मेरा मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने कैसे सॉल्व करा है, एकदम इजी वे में समझा आप लोगों को, ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली अबाउट सी, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली अबाउट सी, सी के ऊपर कौन रहता है इमीडिएट, तो सी के ऊपर इमीडिएट कौन रहता है, आई रहता है, ठीक है, आया समझ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन ई एंड बी, E एंड B के बीच, E एंड B के बीच में कितने लोग रहते हैं, E एंड B के बीच में कितने लोग रहते हैं, कितने, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन पर्सन लिविंग बिटवीन E एंड B, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर में कौन रहता है, टॉप मोस्ट फ्लोर में कौन रहता है, D लिविंग इन टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है, D इज लिविंग इन द टॉप मोस्ट फ्लोर, आया सब में, मुझे लगता नहीं आप लोग कुछ भी डाउट होगा, सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रॉपरली करा दिए, ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी करियो, आप लोग टीचर का ऐप में देख सकते हो, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।